हाँ जी, आज के इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं करेल बुस, यानी कि एक ऐसी सड़क जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ बस कर सकती है। तो जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक सड़क दिखाई दे रही है। ये सड़क है करेल बुस और इसका यूज सिर्फ और सिर्फ बस कर सकती है। उसके अलावा कोई भी गाड़ी नॉर्मली यहाँ पर एंटर जो है वो नहीं करनी चाहिए। उसके साथ अगर बस है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये करेल बस है और बस के साथ लिखा हुआ है टैक्सी नीचे, तो इसका यूज बस भी कर सकती है और टैक्सी भी कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा और दूसरी गाड़ियां जो है इसका यूज जो है वो नहीं कर सकती। और इसके अलावा ये जो व्हाइट मार्किंग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि ये जो व्हाइट मार्किंग है इसका मतलब क्या है। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि यहाँ से करेल बुस जो है वो शुरू हुई है, यानी कि स्टार्ट यहाँ से हो गया और हमें अंदर जो है इसके अब नहीं आना चाहिए। तो हम करेल बुस का यूज है वो नहीं कर सकते। किस किस के काम के लिए? देखिए, परार यहाँ पर हम नहीं कर सकते, यानी कि 2 मिनट के लिए गाड़ी यहाँ पर हम खड़ी नहीं कर सकते। स्टेशनर यानी कि पार्किंग भी हम यहाँ पर अपनी गाड़ी को नहीं लगा सकते करेल बुस के ऊपर। आदिलांतर नहीं कर सकते, यानी कि ओवरटेक नहीं कर सकते यहाँ पर। कैम्बियर दे सेंटिडो यानी कि यू टर्न भी हम नहीं ले सकते, यानी कि इस करेल का यूज करके हम यू टर्न जो है वो नहीं ले सकते। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस करेल का यूज कब कर सकते हैं। तो देखिए, नॉर्मली कोमो नॉर्मा जनरल हम इस करेल बुस का यूज जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम यूज कर सकते हैं इसका राइट मोड़ने के लिए या फिर लेफ्ट मोड़ने के लिए। अभी हाल फिलहाल देखिए, इस सड़क में ये जो करेल बुस ये राइट साइड की तरफ है। मान लीजिए आप यहाँ पर जा रहे हैं और आपका घर जो है वो यहाँ पर है, आपकी मंजिल जो है वो यहाँ पर है, तो जब भी आपको राइट मोड़ना है तो फिर आप इसके राइट यहाँ पर मोड़ सकते हैं। तो उसके लिए भी एक शर्त है कि ये जो लाइन है आपको दिखाई दे रही है ये डिसकंटिन्यू होना चाहिए, यानी कि डिसकंटिन्यू होना चाहिए तभी आप राइट मुड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये लाइन जो ऐसे है कंटिन्यू हो, यानी कि कंटिन्यू हो लाइन लगातार हो, तो फिर आप राइट भी यहाँ पर नहीं मुड़ सकते। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा।